टीवी के दिग्गज अदाकारा सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके मैनेजर ने बताया कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ। अभिनेत्री लंबे समय से बीमार चल रही थी। 2018 में लकवे का शिकार हुई और 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। निधन के बाद उनके मैनेजर ने बयान जारी करते हुए कहा कि हार्ट अटैक आने से आज सुबह सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो बीमार चल रही थी। सुरेखा सीकरी को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उन्हें फिल्म तमस, ममो और बधाई हो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया था। सुरेखा सीकरी ने बधाई हो और बालिका वधु जैसी हिट और पॉपुलर फिल्मों सीरियल्स में यादगार रोल निभाए। आखिरी बार सुरेखा सीकरी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म गोस्ट स्टोरीज में नजर आईं। उत्तर प्रदेश में जन्मी सुरेखा ने अपने बचपन अल्मोड़ा और नैनीताल में बिताया। इस एक्ट्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। ज्यादातर फेम सुरेखा सीकरी को दादी के किरदारों से मिला। बालिका वधु में सुरेखा सीकरी ने दादी सा का किरदार निभाया। ये सीरियल 2008 से 2016 तक ऑन एयर रहा। इसके अलावा परदेश में है मेरा दिल, CID, साथ फेरे, बनेगी अपनी बात जैसी कई टीवी सीरियल्स में उन्होंने दादी के यादगार रोल्स किए। ABP न्यूज सुरेखा सीकरी को करता है शत शत नमन। ABP न्यूज आपको रखे आगे।